हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए, अभी कुछ ही हाल में कई एग्जामिनेशंस आने वाले हैं आपके, रेलवे के एनटीपीसी के पेपर आने वाले हैं, रेलवे का ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, उसके साथ साथ आपका चकबंदी लेखपाल का भी पेपर शायद हो जाएगा, एसएससी के कई एग्जामिनेशन आने वाले हैं, स्टेनोग्राफर आपके सीपीओ के पेपर दो हो चुके हैं, सीजीएल के पेपर आने वाले हैं। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से तैयारी करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दें, अपने जो स्टडी आवर्स हैं वो बढ़ा दें, क्योंकि सीजीएल कभी भी हो सकता है। और जो 2017 का जो पेपर हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी आ सकता है, उसका जो कोर्ट केस चल रहा है वो भी, इसका भी रिज़ल्ट आ सकता है। तो आप लोग अपने सीजीएल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दें, ठीक है। आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो जान लें कि अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पठार पढ़ रहे हैं। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको छत्तीसगढ़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, ठीक है। तो अभी हेडिंग डाल लीजिए, आपका जो पांचवा पठार था वो है आपका, आपका पांचवा जो पठार है वो आप डाल लीजिए, आपका छत्तीसगढ़ का पठार। टोटल 7 पठार है, मैंने आपको बताया था टोटल 7 पठार है। तो अभी छत्तीसगढ़ का पठार हेडिंग डाल लीजिए, और मैंने आपको भारत के मैपिंग के थ्रू बताया भी था कि किस तरह से पठार गए हुए हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे इस तरह से ये जो पहला पठार गया है नंबर 1, इसे कहते हैं दक्कन का पठार। पहला जो पठार इस तरह से फैला हुआ है वो दक्कन का पठार है, प्ले लिस्ट में आके आप जरूर देखिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर इस तरह से पठार एक बना हुआ था, सेकेंड नंबर पर था मालवा का पठार। मालवा का पठार किन किन फैला हुआ है, किन किन राज्यों में, एमपी में और राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। तीसरे नंबर का जो पठार था इस तरह से समथिंग, वो आपका यूपी और एमपी में फैला हुआ था। जो चौथे नंबर का पठार था, तीसरे नंबर का जो पठार है वो है आपका बुंदेलखंड का पठार। चौथे नंबर का जो पठार है वो आपका है बघेलखंड का पठार, ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार नियर अबाउट छत्तीसगढ़ में ही फैला है। ये पाँचवा नंबर आप डाल लीजिए, पाँचवें नंबर का पठार है जो छत्तीसगढ़ का पठार है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही फैला है और कहीं नहीं फैला है, ठीक है। तो अभी हम छत्तीसगढ़ का पठार पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पठार को एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो विस्तार है, वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही फैला हुआ है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का पठार कहा गया है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आगे हम क्या बात करेंगे, देखिए अभी आपके जो छत्तीसगढ़ का छोटे नागपुर और मेघालय, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पठार हैं, इनको आप जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ आप देखिए छत्तीसगढ़ का पठार है, विस्तार यहाँ से यहाँ तक हुआ है। मिट्टी अगर आपसे पूछता है इसकी मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी है लाल बलुआ पत्थर। कौन सी है? लाल बलुआ पत्थर है, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेड सैंड स्टोन, ये है लाल, ये मिट्टी है इसकी छत्तीसगढ़ के पठार की, ठीक है। अब नदियों की बात करते हैं, हमने बताया था नदियां कौन कौन सी निकलती हैं। एक बात मैं मुझे बताइए आप लोग, मैंने आपको सतपुड़ा पर्वत जब पढ़ाया था, सतपुड़ा माउंटेन पढ़ाया था, तो सतपुड़ा माउंटेन में मैंने सिहावा रेंज बताई थी, और मैंने बताया था सिहावा रेंज कहाँ पे होती है, वो छत्तीसगढ़ में होती है। सिहावा रेंज कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में होती है। और सिहावा रेंज से कौन सी नदी निकलती है? मैंने आपको बताया महानदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? महानदी। फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, महानदी निकलती है कौन सी रेंज से? सिहावा रेंज से। और सिहावा रेंज कहाँ पड़ता है? आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, जो बांध का नाम है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका है जो महानदी में हीराकुंड बांध बना हुआ है, और 4800 मीटर लंबा है, ठीक है। ऊंचाई नहीं देखी जाती है इसमें, हमेशा लंबाई देखी जाती है, ठीक है। ऊंचाई बहुत ही कम में पूछता है, वैसे पूछता नहीं है। जो हीराकुंड बांध की लंबाई है वो 4800 मीटर है,
कितनी है 4800 मीटर है हीराकुंड बांध की, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ और भी नदियां हैं जो आपको नदियां मैं बताता हूँ, महानदी, टेल नदी है और जोंक नदी, तीसरा जोंक नदी है, टेल नदी और जोंक नदी, ठीक है। ये तीन नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ के पठार में आपकी मेनली पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम लोग आगे चलते हैं, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को अलग से और बताने वाला हूँ कि जो छत्तीसगढ़ का विस्तार है उसमें क्या क्या चीज़ें और पड़ती हैं, ये आप चीज़ देखिएगा। छत्तीसगढ़ का जो पठार है ना, छत्तीसगढ़ में मेनली छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी राजधानी क्या है, आपको पता होगा रायपुर है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले, रायपुर है। और रायपुर को अब नया नाम क्या बदला गया है, नया रायपुर बदला गया है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है उसका नया नाम क्या है, पहले रायपुर था अब नया रायपुर हो गया है, अब उसको और बदल के अटल नगर बोला जा रहा है, अटल नगर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले क्या थी, रायपुर थी, फिर उसके बाद नया रायपुर बनी, अब उसको क्या प्रस्ताव किया जा रहा है, अटल नगर, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में एक लौह इस्पात है भिलाई, ठीक है, भिलाई है एक पावर प्लांट है, स्टील प्लांट है, सॉरी माफ कीजिएगा, भिलाई क्या है, स्टील प्लांट है, ठीक है। और ये कब बना था, सेकंड पंचवर्षीय योजना में बना था, भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई क्या है फिर से याद रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट है, सेकंड पंचवर्षीय योजना में बना था और किसकी मदद से बना था ये भी जानिएगा, रूस की मदद से बनाया गया था भिलाई स्टील प्लांट, सेकंड पंचवर्षीय योजना में बना था। सन अगर आपको याद रखना है 1959 ईस्वी में बना था, सेकंड पंचवर्षीय योजना में बना था भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद में आपको अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके बाद है आपका जो टिन पाया जाता है, टिन है वो 99% कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। 99% जो टिन है वो आपका कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और जो बचा 1% टिन है ना, 1% जो बचा है टिन है वो आपका झारखंड में पाया जाता है, झारखंड राज्य में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग आगे चलते हैं, टिन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि टिन कहाँ पाया जाता है, बस्ता जिले में, बस्ता जिला है, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप उतना ध्यान मत रखिएगा, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 99.9% टिन पाया जाता है, 99% और 1% टिन आपका झारखंड में पाया जाता है। मैंने आपको जब विंध्यन पर्वत पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि आपका जो 99% टिन है वो छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। इसके बाद पाँचवा तो आपका हो गया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला जो पठार है आपका वो है आपका 6 नंबर, आप लोग डाल लीजिए, छोटा नागपुर का पठार, 6 नंबर है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा छोटा नागपुर का पठार। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें सबसे ज्यादा रत्न पाए जाते हैं, रत्न, ठीक है, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ और रत्न पाए जाते हैं पठारों के मामलों में। अगर पठार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर खनिज पदार्थ या रत्न कहाँ पाए जाते हैं, वो छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। मैंने आपको जो पर्वत पढ़ाया था, अगर पूछा जाता है पर्वतों में सबसे ज़्यादा रत्न कहाँ पाए जाते हैं या खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, आप बताएँ कि विंध्यन पर्वत मैंने आपको पढ़ाया है। विंध्यन पर्वत मैंने एक चीज़ आपको और बताई है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा कौन बनाता है, वो विंध्यन पर्वत ही बनाता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा पद्म रत्न पाए जाते हैं। दूसरा एक बात याद रखिएगा, इसे रूर का पठार भी कहते हैं, रूर का पठार। अब इसे रूर का पठार क्यों कहते हैं, एक मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था नीस का पठार किसे कहते हैं, बुंदेलखंड के पठार को नीस का पठार कहते हैं,
फिर से ध्यान दीजिएगा, बुंदेलखंड के पठार को नीस का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नीस की चट्टानों से बना हुआ है। अब इसे रूर का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि रूर के चट्टानों से नहीं बना हुआ, रूर एक पोर्ट है। जो रूर है वो जर्मनी में, ध्यान रखिएगा, जर्मनी में एक पोर्ट है। जर्मनी में एक पोर्ट है, पोर्ट का मतलब होता है जो आपके बंदरगाह होते हैं, ठीक है। तो जर्मनी में एक पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ उसका रूर जो पोर्ट का नाम है वो रूर है। और वो किस लिए फेमस है? कोयले के लिए, कोयले के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। आयात तो और निर्यात होता है ज़्यादा, तो कोयले के लिए बहुत फेमस है। और छोटा नागपुर के पठार में भी आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलेगी वो कोयला ही मिलेगी, कोयला ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखिएगा कैसे कैसे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी में एक पोर्ट है, उसका नाम है रूर, और इसे रूर का पठार भी कहते हैं। तीसरी एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में नहीं है फिलहाल, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही जर्मनी है आपका, जैसे ये आपका है जर्मनी, ठीक है, और ये आपका रहा फ्रांस, ये आपका रहा फ्रांस, तो जर्मनी से होते हुए फ्रांस के लिए एक नदी जाती है, एक नदी जाती है, इस नदी को कहते हैं राइन नदी, इस नदी को कहते हैं राइन नदी। और राइन नदी किस लिए फेमस है? राइन नदी जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फ्रांस टू जर्मनी एक नदी जाती है जिसे कहते हैं राइन नदी, और इसमें सबसे ज़्यादा व्यापार होता है कोयले का, सबसे ज़्यादा व्यापार किसका होता है? कोयले का। राइन नदी, राइन नदी, इसलिए इसे कोयला नदी भी कहते हैं। राइन नदी को क्या कहते हैं? कोयला नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात थी जो मुझे, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे इसका विस्तार। आगे इसका विस्तार देखेंगे हम लोग, विस्तार आप लिख लीजिए, हेडिंग ना लीजिए विस्तार। तो विस्तार कहाँ कहाँ से हुआ है? छोटा नागपुर का जो पठार है उसका विस्तार किन किन राज्यों में है ये हम देखेंगे। तो देखिएगा, छोटा जो नागपुर का पठार है, मैं छठे नंबर यहाँ बना देता हूँ, इस तरह से कुछ फैला हुआ है, ठीक है ना, छठे नंबर है, सिक्स नंबर है। तो इसका विस्तार देख लीजिए, पहला है इसका बिहार राज्य में फैला हुआ है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, सबसे ज़्यादा झारखंड में, झारखंड। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल राज्य में भी काफ़ी कुछ फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद आपका उड़ीसा में भी फैला हुआ है, ठीक है, चार राज्यों में मैक्सिमम फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा अगर विस्तार पूछा जाए छोटा नागपुर का पठार का, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, ठीक है, दो राज्यों में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम है। झारखंड की बात करते हैं, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के आप बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, झारखंड बहुत फेमस है और सबसे ज़्यादा जो रत्न पाए जाते हैं वो झारखंड में ही पाए जाते हैं। तो झारखंड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, झारखंड की जो राजधानी और रांची है, इसके सीएम रघुवर दास हैं और द्रौपदी मुर्मू इसकी आपकी राज्यपाल है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद झारखंड में देखिए एक जिला है बोकारो, आपको पता होगा बहुत फेमस है बोकारो। बोकारो क्या है? बोकारो में स्टील प्लांट है, क्या है? स्टील प्लांट। बोकारो में क्या है? स्टील प्लांट है। ये थर्ड पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, थर्ड पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें बोकारो प्लांट, स्टील प्लांट बनाया गया था। उसके बाद में यहाँ पे एक है जादू घोड़ा, जादू घोड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है, यूरेनियम। मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर का जो पठार है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रत्न और पत्थर जो पाए जाते हैं वो छोटा नागपुर के पठार में ही पाए जाते हैं। जादू घोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं झरिया, देखिए आपको बहुत ध्यान रखना है, झरिया हो गया, कर्णपुर हो गया, ठीक है, ये दो जो जिले हैं इनमें ही सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। कोयला जो है छोटा नागपुर पठार में सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में, और झारखंड में झरिया और कर्णपुर, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी और, गुरु महिषानी, एक है गुरु महिषानी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका लोहा, लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुरु महिषानी में,
अगर आपसे पूछा जाता है झारखंड में सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, गुरु महेशानी में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नदियों की, नदियों की बात करते हैं तो नदियाँ आप लोग देख लीजिए। नदियों में मैंने आपको बताया था कि छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी निकलती है। जब मैंने आपको गंगा नदी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है जो हुगली नदी में जाके मिलती है। जिन्होंने गंगा नदी नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देख लें, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि इसकी मिट्टी कैसी है, ठीक है। अब आते हैं मिट्टी की बात आती है तो मिट्टी जो है इसकी लाल बलुआ पत्थर है। इसकी मिट्टी की जो है वो भी लिख लीजिए, मिट्टी है लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर मिट्टी है इसकी, रेड सैंड स्टोन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का पठार है वो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पठार है वो आपका लिख लीजिए आप लोग, आखिरी पठार है मेघालय का पठार। अगली हेडिंग आप लोग डालिए, मेघालय का पठार, लास्ट पठार है मेघालय का पठार, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ये 7th नंबर है और इसका विस्तार किन किन राज्यों में है वो देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेघालय में ही है, सिर्फ और सिर्फ मेघालय राज्य में ही है। मैंने आपको मेघालय राज्य में बताया था कि एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है और नदी है कौन सी, वो आपकी मेघना नदी है, मेघना नदी है सिर्फ मेघालय राज्य से निकलती है। और कहाँ मिलती है, गंगा नदी में जाके मिलती है। गंगा नदी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में गंगा नदी का लिंक दे दूंगा। इसके बाद में देखिए किसका विस्तार किस तरह से है, ये देखिएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहां देखिएगा, मेघालय का पठार 4 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। ये है आपकी गारो हिल, ये है आपकी खासी हिल, ये जयंतिया हिल और ये है आपकी मिकिर हिल, ठीक है। 4 आपकी पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है, गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी, ठीक है। इन चारों पहाड़ियों से मिलकर आपका मेघालय का पठार बना हुआ है। देखिए यहाँ पे है मानसी ब्रावा और चेरापूंजी, इस जगह यहाँ पे ये इस तरह से बना हुआ है मानसी ब्राम और चेरापूंजी, ध्यान दीजिएगा। ये मानसी, ये ऊपर वाला मानसी ब्राम है, मानसी ब्राम और नीचे वाला है चेरापूंजी। अब देखिए सबसे ज्यादा बारिश होती है वो मानसी ब्राम और चेरापूंजी में होती है, वो किस वजह से होती है ये भी जान लीजिए। देखिए ये सारी पहाड़ियां हैं, इस तरह से 4 पहाड़ियां हैं और जब बादल इधर इधर से आते हैं, यहां से बादल आए और जब बादल यहाँ पे एकदम आते हैं तो यहाँ पे एकदम सकरा इलाका हो जाता है और सकरे इलाके पे जब बादल आपके टकराते हैं पहाड़ियों से तो यहीं पे बारिश कर देते हैं और मानसी ब्राम और चेरापूंजी यहीं पे है स्थित है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और भारत की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आपको पता है। इसके बाद में यहाँ पे प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं, जनजातियाँ, ठीक है, प्रजातियाँ नहीं जनजातियाँ हैं, जनजाति जो पाई जाती है वो गारो, इसके नाम से ही जनजातियाँ पाई जाती हैं, गारो, दूसरा है खासी और तीसरा जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों की तीनों जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में अगर हम और बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसी है, अगर आपसे पूछ लेता है इसकी मिट्टी कैसी है तो देखिए पहाड़ी इलाका है तो पर्वतीय मिट्टी होगी आपकी, पर्वतीय मिट्टी होगी, ठीक है। दूसरा इसकी मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी भी होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, देखिए जो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो पवन के द्वारा मिट्टी उड़ा करके लाई गई होती है वो उसे कहते हैं पवनोड़ मिट्टी, और जो हिम के द्वारा लाई गई होती है उसे कहते हैं हिमोड़ मिट्टी, ठीक है। तो जल के द्वारा लाई गई है, यहाँ पे कौन सी नदी आपकी बहती है, मेघना नदी, मेघना नदी से लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो आपके पठार आज इतने ही थे, उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिएगा। आप लोग फ्रेंड्स से शेयर नहीं करते हो
और मेरी एक बात है कि आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि मैं अभी तक कितना पढ़ाया हूँ, कैसा पढ़ाया हूँ आप लोगों को। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो SSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेलवे NTPC के लिए वो भी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए काम है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, उनको बताइएगा, ताकि मैं मैथ तभी स्टार्ट करूँगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर नियर अबाउट हो जाएंगे, तभी मैं मैथ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।